चलो ठीक है, रख रहा हूँ यहाँ पे। अरे रुको अरे पनौड़ी भाई, मेरी जान, कैसे हो पनौड़ी भाई? दीपक कैसा है भाई? भाई मैंने आपका क्या है वीडियो पनौड़ी देखा, भाई? मैं कसम से कह रहा हूँ पनौड़ी भाई, मैं मतलब इतना इमोशनल हो गया वो वीडियो ऐसा देखकर भाई। और आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज आपकी थी, लेकिन वो ओके वीडियो नो में वेरी कोई ड्रामा सिंपल नहीं ना था, कुछ नहीं था गारे भाई, रिव्यू द पीयर दिल की क्या है आवाज थी। और मालूम मैं नहीं कसम से कह रहा हूँ पनौड़ी भाई, बहुत यार, ये झूठ पीआर ने क्या करवाएगा? देखो मीटिंग में साथ में इसकी शेयर करके अब आप प्रोजेक्ट तो रेडी है, हाँ उसी टाइम बताया हुआ। बारकोड स्कैन तो क्या है, इनके हेलो सर्टिफिकेट आदित्य भाई, भी है। बारकोड स्कैन कोई नहीं हुआ है ये? ये कह टिकट रहा है, मैं आदित्य के लिए अगर नहीं, शॉल बारकोड भेजूंगा तो तो वो आदित्य टिकट शॉल नहीं है, कुछ डालेगा तो क्या? टेस्ट केसेस के लिए सिक्योरिटी के अब लिए मैं सुन बारकोड पनौड़ी भाई, स्कैन मैं क्या करवा बोल देता रहा हूँ, हूँ, वो तो आपने को पता ही ना, पश्मीना शॉल इसको पहनेगा, मैं लगाने तेरे को दो, गिफ्ट लोकल करूंगा सेट अगर पश्मीना अवेलेबल शॉल। इन रिजर्वेशन गेट द पीआर अप्रूव्ड मर्ज आल्सो नीड टू गो पनौड़ी भाई मेरे को 6 साल से जानता है, पनौड़ी भाई कहता रहेगा बहुत माधव चौधरी दीपक कलाल जितना अंदर से मेरे को पनौड़ी जानता है ना कोई नहीं जानता। नहीं भाई, बट देखो जो भी है, बट भाई बहुत प्यार करता है पनौड़ी भाई, ये बात तो मैं मानता हूँ पनौड़ी जान है भाई अपनी यार, बहुत पनौड़ी का दिल भाई बहुत अच्छा है। कल इसीलिए मैंने ये पारस की लाइफ में कुछ बातें तेरे लिए बोली, बिकॉज के तुझको लोग जिस जो तू है तो तुझे दीपक वही बन के रहना चाहिए। सच बोल रहा हूं मैं। नहीं नहीं देख पनौड़ी, देख तेरी बात सही है, मैं ना नहीं बोलता हूँ भाई, मैंने वो खुद पूरा वीडियो देखा, मैं बिल्कुल तेरी बात से सहमत हूँ। बट भाई पनौड़ी, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितना तू सोच रहा है। देख भाई तू वहां पे रहता है न्यूयॉर्क में, तेरा सिस्टम अलग है भाई, मैं कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं हूँ, समझने की कोशिश कर उसके लिए थोड़ा। और मैं तेरे को ये भी पता है भाई कि मैं उतना भी डैशिंग बंदा नहीं हूं, मैं सिंपल बंदा हूं, तो कैसे है ना भाई मेरे को अगर समझो फ्यूचर में दिक्कतें आती है ना, और कैसे है देख पनौड़ी भाई मेरे को भाई प्यार तो मिल रहा है। अभी तुझे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं रास्ते पे, वो क्या बोलते हैं पता है हमको, हम आपके साथ फोटो खिंचवानी है लेकिन हमको लाइव पे मत लेना। तो ये कोई बहुत रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है पनौड़ी तुझे लगता है? लेकिन भाई देख फेमस होना बात अलग है, बट लोग जो कहते हैं ना कि भाई शादी में इनवाइट करना, फंक्शन में इनवाइट करना या किधर इनवाइट करना, तो ये सब आपको मिलेगा जब आप अच्छी लाइफ कंडक्ट करोगे तब। अरे यार देख, मैं तो ये चीज मानता हूं कि जैसे कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, जितने भी बॉलीवुड के स्टार है, ठीक है, तो यार वो उनकी किस्मत का तकाजा है, तेरा और मेरा वो अपनी किस्मत का तकाजा है। मैं तो यही मानता हूं कि भाई हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ है तो वही हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि तू और मैं लोगों की गाली और लोगों की लातें खाने के लिए पैदा हुआ है, तो फिर हम लोग भाई कैसे यार तो फिर हम लोग रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का अचार डालेगा क्या तू? नहीं देख कैसा है भाई, तेरे पास बहुत प्रॉपर्टी जो भी तेरे पास है भाई, मेरे को भी तो लाइफ में बनाना है पैसा, दो पैसा मुझे भी बनाना है पनौड़ी भाई। देख तू, तेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तू जिस फैमिली से बिलोंग करता है या जो भी है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है भाई, 240 शॉप होना न्यूयॉर्क में भाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी झूठी कहानी नहीं है, ये मालिक है डेयरी ब्रांड शीत के, बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है क्योंकि बंदा ड्रग्स लेता था, तो भाई टाइम पास के लिए बंदा इधर आके अपना टाइम ये कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे। भाई बंदे की अप्रोच बड़ी है, मैं मतलब इतना ही बता रहा हूँ कि भाई ये मोदी के गांव का बंदा है बस, अभी इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। अरे तो दीपक, मैं ये बोलना चाहूंगा तुझे कि यार रिस्पेक्ट का आई तुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि भाई तुझे तुझे लोग अब प्यार करने लगे हैं, एंड तुझे फंक्शंस में एंड सभी जगह से तुझे इनविटेशन आते हैं। लेकिन यार तेरी जो जो तेरी एक फॉलोइंग ऐसी है जिसमें 80% लोग ऐसे लोग हैं जिस बराबर है हाँ लोगों को तेरा जो रूप है रोस्टिंग लाइव का, ठीक है, तुझे वो लोग इतना पसंद करते हैं उस रूप में, तो तेरा जो
भाईचारे वाला रूप है, उसमें लोग तुझे पसंद करते हैं सिर्फ 20-25% लोग। बराबर है। हाँ देख, अभी मैं तुझे एक बात बताता हूँ पनौड़ी। देख तू मेरा बहुत सच्चा दोस्त है, चल मैं मानता हूँ, और तू मुझे इतने साल से फॉलो कर रहा है, सब कुछ है। अब देख अगर मैं मेरी माँ को पूछूंगा, मेरी माँ को, ओके देख माँ तो मुझे अच्छा बताएगी, मेरी माँ, मैं माँ को कहूंगा कि मम्मी मैं रोस्टिंग लाइव करूँ या फिर मैं सिंपल लाइव करूँ, बराबर है। तू मुझे बता पनौड़ी, मेरी माँ मुझे क्या बोलेगी? मैं जस्ट एज अ फ्रेंड तुझे पूछ रहा हूँ। हाँ मम्मी तो मम्मी होती है ना यार, मम्मी तो ऐसा ही कहेगी कि भाई अच्छी लाइव चलाओ, तुम गाली बाली मत दो, वो तो यही तुझे कहेगी। पता है पनौड़ी, देख मैं भाई मेरी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने मेरे माँ को बोला था, मम्मी मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, भाई मैंने सिगरेट फेंक दी, मैंने दारू फेंक दी, बस मैंने मम्मी को बोला है कि नहीं करूंगा भाई ये लाइव, अपने को भाई अच्छी जिंदगी जीनी है। और तुझे पता है पनौड़ी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बहुत मिस करता हूँ भाई तेरी और मेरी जो जोड़ी है ना, जय और वीरू की जोड़ी है। फेसबुक पे जाएगा भाई 10-10, 15-15 मिलियंस व्यूज है हमारे वीडियो को। बट कैसे है ना यार, देख तेरी बना बनाई जिंदगी है, तू 240 शॉप्स का मालिक है, जो भी है, 10 लाख रुपए भाई तू जुए में हार जाता है। भाई मेरा सिस्टम वैसे नहीं है यार, देख तुझे खुद पता है कि मेरे मम्मी डैडी लॉस एंजलिस में रहते हैं, बात सच है। पटेल पटेल कहाँ है पटेल, वेयर इज योर पैक? अरे कल बहुत थी यार, मैंने मुझे बहुत हो रहा है भाई। अच्छा लेकिन हमारे में कैसे है ना आदित्य, जो भी है भाई खुद के बलबूते के ऊपर। क्या हुआ? एक महीना होने वाला है कैसीनो में नहीं गए के पनौड़ी भाई। क्या हुआ? एक महीना होने वाला है पर कैसीनो में नहीं गए। अरे नहीं अभी पिछले वीक गया था, पिछले वीक गया था। अरे भाई पनौड़ी का लक भी कैड़ा है, ये जीतेगा तो एक दिन में कर लेगा, बहुत हरामी है ये, एक एक पेटी की बहन जो एक एक करोड़ की हार जीत करने वाला बंदा है भाई। भाई यार अभी तो दीपक देख, मुझे मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम, अगर तेरी चॉइस है यार, तू जो भी करेगा ऑलवेज सपोर्ट या ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, तेरी चॉइस की, तेरी मर्जी की बात है। लेकिन दीपक सच बात ये है कि आज की तारीख में अगर हम दोनों रोस्टिंग लाइव शुरू करेंगे ना मेरे भाई, तो मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे व्यूअर्स अराउंड 30,000 नहीं होंगे भाई। पूरी मैं देख, ये बात नहीं है भाई, पूरी दुनिया हिल जाएगी, सब मुझे पता है। और पनौड़ी भाई मैं तुझे मम्मी की कसम खा के कहता हूँ भाई, बॉलीवुड के लोग देखते हैं भाई, बॉलीवुड के लोग, तुम्हें पता है ये पनौड़ी और मेरी लाइव है ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सारा अली खान, जानवी कपूर भाई, देख तू तो इंडस्ट्री में है सुमित भाई, तू तो सबको जानता है भाई, सबके मैनेजर को पूछ लेना अगर नहीं देखते होंगे ना भाई, सब लोग देखते हैं भाई। भाई मैं कह रहा हूँ सिर्फ वेरीफाइड ही तो नहीं है, मगर तुम्हें भाई नेम जानते हैं सब भाई, बोलने वाली बात। हाँ। तो पनौड़ी भाई ऐसे नहीं है, देख सिस्टम तो हमने हिला दिया है भाई, बट समाज के भाई जलने वाले लोग बहुत होते हैं। और ये जो बंदा है ना भाई सुमित नारंग, ये मुझे मतलब ऐसी सलाह देता है, देख दीपक जब तेरे साथ कुछ गलत होगा ना, कोई नहीं खड़ा रहेगा, यही सलाह मुझे लोविश भी देता है। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ 10 लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि भाई तू अच्छी लाइफ चला, तो मेरे माँ के साथ। सुनो आदित्य भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग यूएस में रहते हो, आप लोग सपोर्टिव हो, इन इंडिया ऐसा कल्चर नहीं है कि ये कोई ऐसी रोस्टिंग लाइफ चलाए, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दी जाती और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, मैंने बोला था बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भाई, ये अमेरिका की पैदाइश से कोई पता नहीं, दीपक को पूरी सपोर्ट करते हैं यहाँ से। नहीं वो तो भाई पूरा दिन गुणगान गाता रहता है ये, के पनौड़ी का तो बहुत ज्यादा ही बोलता है, और तुम्हारे लिए भी और पारस के लिए भी, मतलब बहुत ज्यादा यूएस वालों को कहता है कि मेरी जान है पनौड़ी, मतलब बहुत रिगार्ड करता है, मगर इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। मेरे लिए तो क्या है, आज चला ले रोस्टिंग लाइव, रात को आ जाए, कनेक्ट हो जाए, मगर उसका अपना दिल भी तो माने भाई। भाई समझने की कोशिश करो भाई, मेरे ऊपर प्रेशर है भाई, भाई बहुत लोग बड़ा वाला प्रेशर में इंडिया में रहने के भाई, इसको पता है क्या, देखो हर चीज पॉजिटिव मत हो, तुम तो चलो मजाक कर जाओगे एक दो घंटे की लाइव में, मगर इसके वहां तो दिक्कत हो जाती है जहाँ ये रहता है भाई, इसके लिए इसके अभी देखो हरियाणा दिवस था, ये पनौड़ी ऐसे बोला कि भाई तुम लोग है ना चूत दिवस ये बनाओ, देखो भाई ये न्यूयॉर्क में बैठा है, इसका घंटा कोई उखाड़ नहीं सकता है भाई, मैं अगर ऐसे बोलू ना पनौड़ी मेरी गांड पे पड़ेंगे फटके,
और तुझे पता है भाई, देख पैसा बोलता है, जब लोगों को पता है ना भेंचो इसके 240 शॉप्स है और ये बड़े बाप की औलाद है भाई, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, संजय दत्त कुछ भी करे भेंचो उसके साथ लोग सेल्फी ले लेंगे। मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ पनोड़ी और ये आज रोस्टिंग लाइव करे, आज ही 25,000 बंदा जुड़ जाएगा, मगर पब्लिक भी यही चाहती है कि ये रोस्ट करे पनोड़ी के साथ, 25,000 बंदा आज ही जुड़ जाएगा, मगर इसको सपोर्ट भी तो चाहिए तुम्हारा। ये भेंचो कहाँ जाएगा, कोर्ट कचेरी में ये वो, वहां तो भेंचो तुम नहीं आ सकते ना, मुझे पता है ना भाई। हाँ वो भी है भाई, इसको पता है ये भाई पनोड़ी देख, ये सब देखना पड़ता है यार। मैं सुनो, इसको इतनी गालियां आती हैं, भेंचो इतने प्रेशराइज होते हैं, इसको भेंचो टॉर्चर करते हैं, इसके घर तक पहुंच जाती है पब्लिक, फिर भी लाइफ चलाता है, बताओ। नहीं वो तो मुझे कुछ बातें हैं जो मुझे पता है, हाँ। बहुत सारी चीजें दीपक की लाइफ में हो रही है, मरते दम तक फैन रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एहसान तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता है, ये बात तो भाई मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मगर अब ये अपने मूड में है, अगर इसका मन करेगा तो ये भाई आज ही चला ले लाइफ मेरे लिए, मेरे को क्या है, मगर ये कह रहा है मेरे को पता है ना कि मेरे घर वाले ही सपोर्ट नहीं करे, इसके अपने घर वाले ही सपोर्ट में नहीं है कि तू कहीं गलत होएगा तो हम तेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसकी मम्मी से मेरी बात हुई, कह रही है कि तू रोस्ट लाइव कर ले तो हमारी तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तेरे को, यूं बोल रही है, ये बात है। मैंने जब पनौड़ी का वीडियो देखा ना, पनौड़ी ने उसमें ऐसे बोला कि दीपक कलाल ऐसा बंदा है जिसने स्क्रीन कॉमेडी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, भाई मेरे को इतना प्राउड फील हुआ, बट क्या करूं यार पनौड़ी भाई, मैं खुद ये हूँ यार, मतलब मेरे हाथ बंदे हुए भाई। मैं सच बता रहा हूँ कि जो चीज तू अभी तो इंडिया में तू नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वही चीज तू सारी यहाँ पे करेगा ना मेरे भाई, यू मेकिंग अ फकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर। उसकी बात बराबर है, ये बराबर टिकट नहीं मिलेगी क्या? हाँ ये बात है, ये बात है, हाँ तेरी टिकट सारी राइट अवे सोल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि यार भाई मैं खुद मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को इतने लोगों के सामने कि मैं जो कुछ भी सीखा हूँ मैं दीपक से ही सीखा हूँ इतने 5 सालों में, और वो सारी चीजें भी मैंने सीखने में बहुत मेहनत की है। दीपक मुझे फोन करके हम दोनों वो मुझे काइंड ऑफ द ट्यूशन, जो ट्यूशन होते हैं ना भाई, मैंने बहुत ट्यूशन लिए हुए दीपक से, एंड तू मत रो मेरी जान यार, मैं रो जाऊंगा। अरे फिर वही दीपक रो क्यों रहा है, दीपक रो क्यों रहा है, अरे मत रो यार। पनोड़ी सच में पता है ये बहुत प्यार करता है, दिन में क्या कह रहा था कि मैं इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दूंगा पनोड़ी के लिए, मगर मेरी एक ही जान है, मतलब तुम दोनों की एक दूसरे में जान बसती है, तेरे से ऊपर हम तो, हमारा नंबर तो बाद में आता है, मगर वो तेरे से दिल से प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत प्यार, मतलब पहला नाम ही पनोड़ी आता है इसके मुंह में भाई, माँ की कसम भाई, बहुत प्यार करता है, मेरे लिए तो क्या याद कर लो, मगर पनोड़ी भाई इसको कोई सपोर्ट नहीं करता इसलिए रोता है हकीकत में भाई, ये भी तुम्हें थोड़ा इस पे आशीर्वाद रखना पड़ेगा भाइयों के लिए, बस वही है, बहुत प्यार करता है, सच में बहुत प्यार करता है, रियल ब्रदर के लिए यूं कह रहा है भाई, पनोड़ी है तो वो है, इसने आज सुबह दिन में ही बोला, कह रहा है ऐसे कोई बोल देगा कि मैं किसी का टट्टा हूँ ये है वो है, कह रहा है मैंने ये बोला है कि पनोड़ी मेरा भाई है, कह रहा है ऐसा पहला आदमी देखा है जो यूं कहता है मैं दीपक कलाल तेरा टट्टा हूँ ये हूँ वो हूँ फलाना, कह रहा है भाई मेरी जिंदगी में आदित्य से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर आदित्य यूं बोलते मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं, दिन में लाइव चल रही थी और बहुत, मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, बहुत रिगार्ड करता है आपका भाई हकीकत में भाई, हम लोगों ने जो हमारी पहले लाइव चलती थी तो जो कुछ लोग बैठे होंगे इधर उन लोगों को शायद पता होगा कि वो लाइव कॉमेडी होती थी, इतनी कॉमेडी होती थी कि लोग बहुत अच्छे थे उसको, दीपक को अमेरिका मूव करवा लेते हैं। मुझे ये जो बीमारी है ना, तो जिस तरह से मेरा खान पान है जो भी है, मतलब मुझे अभी यहीं पे अच्छा लगता है, ऐसे नहीं है, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद देखो आप लोगों में जोश रहता है, जज्बा रहता है, 20-22 साल का बंदा रहता है, 50 साल की उम्र में यार सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुमित भाई अपने एक बार वो पारस को लेना, वो दीपक से कुछ कहना चाहता है, दीपक से कुछ कहना चाहता
मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, आप पारस को ले लो। सुमित भाई आप दीपक आपका बहुत रिगार्ड करता है, आपसे बहुत प्यार करता है भाई, ऐसे मत सोचो। आप चाहो तो कल रोस्टिंग लाइन चला देगा, मगर इसको कौन सपोर्ट करेगा ये बता दो। बात यही है भाई बनोड़ी भाई, देखो आपके बिना दीपक भाई भी कुछ नहीं है, वो आपके बिना ना तो मतलब उनका हर रोज आपका नाम आ जाता है लाइव में कहीं भी आए स्टार्टिंग शुरू में। और रही बात भाई लाइव का, रोस्ट लाइव भी अभी भी करो, क्या टेंशन है, लेकिन थोड़ा सा ना हर टाइम करने से क्या होता है, थोड़ा सा ना पर्सनल इश्यू हो जाते हैं। मनोड़ी भाई आप तो हिंदुस्तान के बाहर रहते हो, राइट ये यही रहता है, और थोड़ा अभी उनको ना टीवी शो वगैरह भी ऑफर हो रहे हैं मनोड़ी भाई, राइट आपको एक बार पर्सनली बताएंगे, उनको टीवी शो भी ऑफर हो रहे हैं मतलब कॉमेडी, और हो सकता है भाई साथ में एक टीम आप सब लोगों की, तो कल को एक साथ टीवी में भी दिखोगे ये लाइव वाली जो सेम टीम, तो मतलब अलग ही कहानी हो जाती है। और पनोड़ी भाई ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहे, नए साल से पहले झटका देगा एक दीपक कराल, तुम नोट कर लो कॉपी में। हाँ तो उसी से नए साल में ही आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा पनोड़ी भाई, बाकी और कोई रीजन हमें भी पसंद है आज भाई, सुनो आपकी लाइफ सारी पनोड़ी भाई एक नंबर गाना आ रहा है इनका नए साल से पहले, तुम्हारे कान में बता दिया, और बस बढ़िया भाई। मैं तो दीपक के लिए हमेशा खुशी हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करे, आपसे बहुत प्यार करता है भाई, सच में बहुत प्यार करता हूँ, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करे, एंड अभी जो उसका जो अभी ये उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई है और उससे उसको बहुत फायदे हो रहे हैं, तो मैं भी कहूंगा कि यू हैव टू गो अहेड विद दैट। और पनोड़ी भाई पता क्या, सुनो हम ये नहीं कह रहे वो है, आप भी थोड़ा इसको सपोर्ट करो, मतलब थोड़ा आप भी चेंज लाओ, मतलब ये नहीं है कि रोस्टिंग लाइव है, हम चार बंदों की बातें जुड़ेंगी ना, तो चाहे ये 15,000 में 25,000 के 15,000 में जुड़े चाहे 10,000 में जुड़े, मगर आपके भी अच्छे फ्रेंड्स भी जुड़ेंगे, मतलब रोस्टिंग से कुछ बिगड़ भी रहा है मामला आपका भी और इनका भी, हेटर्स भी। और भाई आपसे ना पनोड़ी भाई, ये जो सुमित भाई ने बोला दिल से बहुत ज्यादा कनेक्ट है, आज मेरी भी बात हुई तभी भी इन्होंने बोला पनोड़ी भाई का कोई वीडियो है देखो, मेरे आंसू टपक गए, मतलब इतना मतलब वो इमोशनल थे सुबह से, मैं तो इसीलिए पनोड़ी भाई आप ये मत सोचो भाई, आप ये मत सोचो कि आपसे, सुनो यूएस वाले ही प्यार करते हैं, इंडिया वाले भी प्यार करते हैं पनोड़ी भाई, ये बात तुम्हारी गलत है, तुम इंडिया वालों के लिए भी सोचो, इंडिया वालों के लिए भी सोचो, क्योंकि वो भी बहुत आपसे जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि पनोड़ी की लाइव देखनी है, दीपक की लाइव बंद हो गई थी, पनोड़ी की लाइव चलने लग गई, भाई 4,000 बंदा तुम्हारी लाइव में भी जुड़ता है, तुम्हारे से प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है। भाई का भी क्या है, सुमित भाई क्या है, पनोड़ी भाई भी लोगों को खुश करने के लिए ही करते हो, नहीं भाई इसको सुनो एंटरटेनमेंट तो है, लाइव का एक हिस्सा हो गई ना चीजें अलग से, मगर इनसे प्यार करती है जनता भाई, इंडिया की जनता प्यार करती है, यूएस में रहते हुए इंडिया के लोग काफी चाहते हैं इसको, पनोड़ी बात तो मानने वाली है दीपक का, हाँ वो बात तो मैं मानता हूँ कि इंडिया भाई अगर ऐसी जोड़ी मतलब मुश्किल से मिलेगी भाई, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ दोनों की ये तो ना तो लाइव पे बनेगी, कल को टीवी पे भी आ गए ना आप दोनों इकट्ठे, तो मतलब आसपास कोई नहीं है भाई, भाई सगे भाइयों में शर्मा और सुनील ग्रोवर थे ना भाई, सगे भाइयों में इतना प्यार नहीं है, सगे भाइयों में आजकल इतना प्यार नहीं जितना दीपक और इसमें है, दीपक भाई रियलिटी में दिन में भी रो पड़ा, घूम रहा कह रहा यार पनोड़ी से मैं क्या बोलूंगा रोस्टिंग लाइव में, बहुत रोता है भाई तेरे से, बहुत प्यार करता है हकीकत में, बहुत प्यार करता है, और चाहे अरे नहीं मुझे, अरे सुमित भाई मुझे पता ही है दीपक मुझे बहुत प्यार करता है यू नो, लेकिन कभी कभार ऐसा ऐसा मुझे हो जाता है यू नो कि भाई तुम्हारा बड़ा दिल है, सुनो दिल की बात होती है पनोड़ी भाई, ये बात तुम भी मानते हो, तुम्हारा बड़ा दिल है, तुम कुछ भी कर दो ओके है, ये इंडिया में रहता है तो इसको थोड़ा घर से प्रेशराइज मिलता है, वैसे डरता है, थोड़ा छोटे दिल का है, इसको तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा दिल मरते दम तक भाई, बात ये है कि दीपक का दिल और मेरा दिल है ना, हाँ हमारा दिल है ना बहुत छोटे बच्चों जैसा है, बस कि भाई हम लाइक यही क्वालिटी शायद मेरी और दीपक की सेम है, तो इसीलिए हमारे दिल है ना बहुत, मैं भी कुछ बोलने से पहले सोचता नहीं हूँ, एंड उसी से शायद लोगों को हंसी आती है वो सारी बातों से, भाई हंसी तो बहुत आती है भाई, देखो अगर तुम लाइव चलाते हो ना भाई, तुम्हें तुम्हारा फेस वैल्यू है भाई, हकीकत मानो, चाहे तुम कुछ ना भी बोलो ना तब भी पब्लिक जुड़ती है हंसती है,
कि हाँ भाई पनौड़ी आ गया, दीपक कला आ गया, भाई मतलब एक फेस वैल्यू बन चुकी तुम्हारी भाई हकीकत। और दीपक भाई पनौड़ी भाई आपके बिना वो अपने आप को बिल्कुल जीरो समझता है भाई, वो चाहे रोस्ट कर लो चाहे बिना उसके कर लो, ना तो उसको अब फॉलोअर्स की जरूरत है भाई, ना आपको जरूरत है, ना आपको जरूरत है बिल्कुल भी, पता चलता है भाई, बस आपको मजा आ रहा होता था और एक टीम बनी हुई है, तो ये टीम ऐसे ही रहेगी भाई। तो अगर, भी क्या है कि एक बात सुनो रविंदर भाई, मैं ये भी जानता हूँ ये जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा पनौड़ी का, अगर पनौड़ी आज कह देना रोस्टिंग लाइव है ये अभी भी तैयार हो जाएगा, मगर अभी क्या, और पनौड़ी भाई रोस्टिंग का क्या है, व्यूज का क्या, अभी चालू करो आप, 2500 से 25,000 रुपया अभी ले जाओगे आप एक घंटे में, आज की आज भी एक घंटा भी आधे घंटे में 100%। वो ये नहीं है कि वो गायब हो गए हैं, आप जिस दिन चालू करोगे उस दिन ही हो जाएंगे वो तो भाई। आई नो, मुझे पता नहीं, नहीं नहीं मैं तो भाई देख, आपने कल आके एक मजाक किया लाइव में, सीधा 800 से 1500 हुए थे 10 सेकंड में, राइट आप समझ रहे हो कितना फास्ट, राइट राइट, वो तो हमेशा ही रहेगा भाई। भाई मैं तो चाहता हूँ कि अगर दीपक को चेंज होने के बाद अगर उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं तो मैं बॉर्डर नहीं करूंगा दीपक, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ यार। हाँ, लेकिन ये बात सच है पनौड़ी भाई, मुझे बेनिफिट्स हो रहे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, बेनिफिट्स हो रहे हैं मुझे। हाँ तो आई एम विद, देख यार मैं, तू प्रोग्रेस करेगा आई फील वेरी लाइक यू नो, मुझे प्राउड फील होगा कि तूने प्रोग्रेस किया, ठीक है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं इस बात से, तेरा जो है तू कर, एंड मेरी तो लाइव चलती है रोस्टिंग वाली, तो जो लोग तुझे देखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग तुझे मुझ में देख लेंगे, यू नो नॉट अ बिग डील। ऐसे तो दीपक वो तो रहो, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल खत्म किया है, एक मतलब आपको थोड़ा बहुत मतलब हर जगह कनेक्ट रहो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धीरे धीरे जैसा। अच्छा राखी सावंत, राखी सावंत ये लाइव देख रही थी अभी, राखी सावंत आई है देखो तो, राखी सावंत अभी है क्या, देखो है तो मेरी जगह, हाँ वो आई थी अभी, राखी सावंत आई थी अभी, तेरे को याद, चोरी ना कर रहा, मैं चोरी ना कर रहा, हाँ आई हुई है, आई हुई है, देख रही है, ले लो भाई पूछ लो, एक बार आएगी तो ले लो मेरी जगह, कोई टेंशन कोई बात नहीं। और दीपक भाई रो मत, ये कोई टेंशन नहीं है, ये तो कौन सा अलग थोड़ा हो रही है, आपको अभी लाइव करना, अभी करना, अरे भोला बंदा है, भोला बंदा है, ये बहुत अच्छा इंसान है, पनौड़ी से प्यार करता है, अगर हाँ इनका मन फिर भी नहीं ठुकता लेट नाइट एक दो घंटे, अगर इनका मन है रोस्टिंग लाइव लेट नाइट चला लें इंडिया का जब लेट टाइम होता है, मगर फिर यार मेन बात है पनौड़ी इसको सपोर्ट भी तो करो तुम यार। मैंने दीपक को मेरा फुल सपोर्ट है यार, चेंज हो रहा है, सपोर्ट यू बड़ी, नो प्रॉब्लम, अगर मन है रोस्टिंग लाइव का तो एक दो घंटे लेट चला लो, तुम अपने दोस्तों को लो, बिल्कुल रहो जुड़ के तो रहो दीपक भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म करो, आप रहो पर दिन के टाइम जैसे 9-10 बजे से दिन के टाइम वैसा रहो, 9-10 बजे के बाद जैसा, हाँ लेट नाइट चलाना है एक दो बजे पनौड़ी का ही मन लगा रहे, वैसे भी वो भी भाई चलेगा, वैसे भी पनौड़ी भाई वैसे भी तो रात में ही फ्री होते हैं टाइम के हिसाब से, अभी पनौड़ी भाई भी देख लो अपनी लाइव भी चलाते ना, कहीं ने कही भाई नारंग भाई कह रहे रोस्टिंग लाइव चल रही है भाई, मैं नहीं लूंगा, मैंने पहले कह रखा है पनौड़ी भाई मुझे मत रहना रोस्टिंग लाइव में, पूछ लो बिल्कुल, इसमें ना तो पनौड़ी को बुरा लगेगा ना हमें लगेगा यार, हम रिस्पेक्ट उनको भी हमारी भाई भाई दीपक आई लव यू, मुझे फोन आ रहा है, मैं ऑलवेज तेरे सपोर्ट में हूँ, एंड प्रोग्रेस कर, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरी जान, ठीक है सुमित भाई, किसी को ले लो, मुझे फोन कॉल आ रहा है, ओके लव यू आदित्य भाई, लव यू, लव यू भाई, लव यू, ऐसे ही रहो भाई ऐसे जैसे आप लोगों, नहीं भाई वो दिल से कनेक्ट है,